नेक्स्ट कॉलर हैं जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। जय हिंद, स्वागत है आपका। हाँ सर, मैं गंगा से बोल रही हूँ सर, अलका भाई मेरा नाम है। जी जी सर, काला जा रहे हैं और पेशाब में जलन हो रही साहब, उसके लिए पूछना था। एक तो जलन है पेशाब में और सर के बाल आ जा रहे हैं। सर के बाल झड़ रहे हैं। हाँ अच्छा, उम्र कितनी है? मेरा 50 है मेरा। हाँ देखिए, दोनों परेशानियों का हल एक दवा में है और उसका नाम है गौंद मोरिंगा सफ़ेद। ये नकली काफ़ी मिलता है, असली लेना है गौंद मोरिंगा सफ़ेद। 1 ग्राम रोज़ाना पानी या दूध में मिलाकर इस्तेमाल करें दिन में एक बार, आपकी दोनों परेशानियां अच्छी होना मुमकिन है। जी, फरीदाबाद से हैं रूनिका जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मुझे 1 महीना हो गया, मेरी लेफ्ट बाजू में बहुत पेन है, सर्वाइकल हो गया था, मैंने किसी से मसाज करवाई थी, उस वजह से मुझे लेफ्ट बाजू में बहुत पेन है, मेरी 2 फिंगर बिल्कुल सुन हो चुकी है। अच्छा, और मुझे रात को भी इतना पेन होता है कि मैं रात भर इसको पकड़ के बैठी रहती हूँ या रोती रहती हूँ। डॉक्टर ने पेन किलर भी लगवाया है और नसें खोलने वाला इंजेक्शन भी लगवाया है, पर मुझे कोई रिलीफ नहीं पड़ा। अब मैं क्या करूँ? एज बता दीजिए। मेरी 46 ईयर है। ठीक है ठीक है जी। देखिए, इस उम्र में ये तकलीफें शुरू हो जाती हैं 40 के बाद, 50 के बाद, 45 के बाद। यहाँ गर्दन की नसें दब जाती हैं डिस्क में, तो इसके लिए एक दवा मैं बता रहा हूँ और एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये आप शुरू कर दें। और इस दवा का और इस एक्सरसाइज का 10 दिन बाद आपको फ़ायदा महसूस होगा। जैसे हम एलोपैथिक लेते हैं फौरन फ़ायदा होता है, लेकिन इसका इलाज इसमें है, यूनानी में, आयुर्वेद में। देखिए एक्सरसाइज तो ये है, ऐसे बैठें और ये अपना कान मोंढे से मिलाइए, इससे मोंढे से ऐसे मिलाइए, और मोंढा नहीं उठाना, ऐसे मोंढा अक्सर लोग मोंढा उठा के यूँ मिला देते हैं, मोंढा नहीं उठाना, मोंढे यहीं रहें आपके। और ये 3 मिनट ये एक्सरसाइज करनी है, और 3 मिनट एक और बता रहा हूँ एक्सरसाइज, ऐसे ऐसे पूरा मोड़ दीजिए। ये जैसे ये मैं मोड़ रहा हूँ तो यहाँ तक ले आता हूँ ऐसे, ये भी 3 मिनट करनी है। और आपको बता रहा हूँ 10 दिन में रिजल्ट आपके सामने आएंगे, हो सकता है 5 दिन में आ जाए। और एक आती है गौंद, गौंद जिसे गम कहते हैं, गम माने गौंद, गौंद माने गम, तो गौंद स्याह यानी काला गौंद। ये नकली काफ़ी मिलता है, असली लेना शर्त है, असली लें। और ये एक कच्ची दवा है, रॉ मटेरियल है, इसको पाउडर बना लें और 2 चुटकी खाएं नाश्ते के बाद। ये चुटकी है ऐसी, 2 चुटकी खाएं और पानी या दूध पी लें, ऐसा 2 बार करें। सुबह नाश्ते के बाद 2 चुटकी खा के पानी पिएं, रात को खाने के बाद 2 चुटकी खाकर पानी पिएं। और एक्सरसाइज 10 दिन से भी ज़्यादा करनी है और इलाज 10 दिन से ज़्यादा करना है, लेकिन आप यकीन करें कि इसमें बहुत फ़ायदा है। मैंने जिन लोगों को बताया उनको फ़ायदा होता है। जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से उर्मिला जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। मैं मुझे असीम दास जी से बात करनी थी। करिए बात। जी बात हो रही है, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जय हिंद, स्वागत है आपका बहुत बहुत उर्मिला जी। मेरे घुटनों में तो जैसे मैं जैसे हड्डी मुड़ती है जो आपस में जो हड्डी घिसती है ना घुटनों की, बहुत दर्द होता था मेरे को घुटनों की हड्डी में। तो वो दर्द तो नहीं है, लेकिन जो मेरी कुल्ले की नसें दबी है ना,
वो मेरे को दिक्कत दे रही है, जैसे एक फिंगर रख दो इतनी जगह में ही काफी दर्द है दोनों तरफ कुल्ले में मेरे को, जैसे फिंगर रख दो इतनी जगह में ही। मेरे को सोने में भी दिक्कत होती है कई बार, तो मेरे को दो दो बज जाते हैं, नींद नहीं आती। ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ वेस्टर्न टॉयलेट है? हाँ, ऊपर नहीं उठता आपके यहाँ जी, वेस्टर्न टॉयलेट है ना? मेरे यहाँ जो आपने मेरे को बता रखा मैं सब करती हूँ। चलिए और ये बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ एक मेरे सीधा हाथ का कंधा है ना जो, वो ऊपर नहीं उठता, मतलब पूरा 100% तो ऊपर नहीं उठता, बहुत दर्द होता है इसमें, बहुत ज्यादा। ठीक है। कंधा नहीं उठता है तो ये जो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ ये वाली, ये रोज़ाना 3 मिनट करें, और 3 मिनट ये देखिए। गौनसिया में एक वैरायटी आती है, गौन गौनसिया केसरी, केसर युक्त होता है, आप वो ले लें और वो इस्तेमाल करें। और अगर वज़न आपके हाइट से ज़्यादा है तो वज़न भी कम करने की कोशिश करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, रुद्रपुर से हैं प्रीति हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार, मैम नमस्कार मैम। जी मुझे बात करनी थी, मुझे 70% ब्लॉकेज थी अपनी मेन बॉडी मेन उसमें आर्टरी में, और आयरन कैल्शियम की कमी है और कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, और मैं आपके यहाँ से दवाइयाँ ले रही हूँ सर, तो और क्या ले सकती हूँ मैं बता सकते हैं मुझे क्या लेना चाहिए? आपको एक तो कॉन्स्टिपेशन, बीपी आयरन कैल्शियम की कमी है और बीपी 70% ब्लॉकेज तो मेन आप दे रही हूँ। ब्लॉकेज की भी बात कह रही हैं। ठीक है। जी तो देखिए सबसे पहले तो ब्लॉकेज का इलाज करें। ये ब्लॉकेज कभी कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जैतून का सिरका, इसे खाली जैतून का सिरका भी पिया जा सकता है, 2-2 चम्मच दिन में 2 बार। इससे भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बंद नसें, जो दिल की बंद नसें में चर्बी जम जाती है उसको भी खोलती है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं ये जैतून का सिरका। लेकिन ये सिरका बहुत ज़्यादा तेज़ असर और कामयाब भी हो सकता है। अगर आप चाहें तो इस तरह से इसे इस्तेमाल करें कि 1 लीटर लहसुन का जूस निकालें, एक जी लीटर लहसुन का जूस निकालें, 1 लीटर अदरक का जूस निकालें और नींबू का जूस निकालें, सबका बराबर बराबर वज़न हो, और 1 लीटर सिरका जैतून का, इन सब का मिश्रण कर दें। इसे चाहे तो मीठा मिला सकते हैं इसमें, मीठा करने के लिए काफ़ी तेज़ होता है, और इसके 3-3 चम्मच 3 बार खाने के बाद 3 छोटे टी स्पून इस्तेमाल करें 3 बार। इससे आपके बहुत सारे रोग, एक तो ब्लॉकेज और हार्ट प्रॉब्लम, दिल की कमज़ोरी, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और पेट, आपका कॉन्स्टिपेशन भी ये ठीक करता है, और जाने कितनी बीमारियां ये ठीक कर देता है। तो सबसे पहले ये इलाज लीजिए और स्वस्थ रहिए। गाजियाबाद से हैं शकील, स्वागत है आपका। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। और ठीक है आप लोग? जी आप कैसे हैं? अच्छा, ये मैं काफी दिन से साइन फोन मिला है, देखो आपका फोन मिला सालों में। हाँ आज मैंने बात करी इनके बारे में, ये शादी को 15 साल हो गए जी, बेसब्री से इंतजार के लिए, इसकी भी टेंशन बहुत है मुझे बच्चे की वजह से। हाँ
इतने टाइम तक मुझे किसी के टाइम तक नहीं मुझे वाइफ के अपने क्या बताया डॉक्टर ने क्या बताया एक नुस्खा लिख लीजिए आपके पास कॉपी पेन है एक नुस्खा लिख लीजिए सौंफ दो या तीन चम्मच सौंफ दो या तीन चम्मच और कासनी दो या तीन चम्मच और मक्को दो या तीन चम्मच सबको बराबर बराबर लें ये सूखा है मिलते हैं सब कासनी मक्को और बादियान यानी सौंफ ये आप उबालें और पानी इतना उबालें कि जितना आपने पानी लिया उसका आधा रह जाए डेढ़ गिलास लें तो आधा जल जाए और आधा आप छान कर रख लें और इसमें दो चुटकी नमक जैतून असली ख़रीदें ये नकली भी मिलता है दो चुटकी नमक जैतून मिला दें और इस पानी को दिन में दो बार पिएं इतना इतना पानी दिन में दो बार पिएं आपकी अहलिया आपकी मिसेज को पीना चाहिए इससे जितने भी अवराम होते हैं वर्म होते हैं वो चले जाते हैं और अगर वर्म की वजह से बच्चा पैदा होने में दुश्वारी है तो फिर आप उम्मीद रख सकते हैं जी पंजाब से हैं रंजू देवी जी स्वागत है आपका नमस्कार मैम नमस्ते मैम मेरे बाल झड़ रहे हैं बाल झड़ रहे हैं उम्र कितनी है आपकी उम्र 42 साल अच्छा देखिए एक उम्र में आके बाल झड़ने लगते हैं एक उम्र में आदमी के बाल या आदमी की हाइट भी बढ़ सकती है और बालों पर अगर कोई परेशानी है तो एक गोंद आता है जिसे सहजन का गोंद कहते हैं इंग्लिश में इसे मोरिंगा कहते हैं गोंद मोरिंगा भी सफ़ेद वाला लेना है गोंद इसमें आप किसी से मांगेंगे तो वो कोई लाल दे देगा कोई पीला सा दे देगा वो नकली होते हैं गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली ख़रीदें और 1 ग्राम रोज़ाना पानी या दूध के साथ या नारियल पानी के साथ रोज़ाना एक खुराक आपके परेशानी अच्छी हो सकती है जी चंडीगढ़ से हैं किरण जी स्वागत है आपका जी मैम मैंने कल भी बात हुई थी सर से मेरी हाँ मैंने ये पूछना है अभी मेरे में टांग में दर्द है जैसे उन्होंने बोला था कि गूंद लेना एक गूंद होता है जो पंजीरी में लगाते हैं एक गूंद होता है जो गर्मियों में खाते हैं कौन सा गूंद लेना है जी हाँ देखिए महिलाएं तो ये दो गोंद ही जानती हैं लेकिन दुनिया में जितने भी पेड़ हैं जितने दरख्त हैं वो या तो गोंद वाले हैं या दूध वाले हैं तो बहुत सारे गोंद होते हैं ये जो हम हींग इस्तेमाल करते हैं ये भी एक गोंद है एक पेड़ का गोंद है जो हींग इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है तो मैंने जो गोंद बताया ये गोंद इन दोनों में से नहीं है बल्कि गोंद स्याह एक काला गोंद है जो बेहिसाब कड़वा होता है और आबनूस के पेड़ का गोंद है ये नकली भी बहुत मिलता है असली ख़रीदना शर्त है तभी आपको फ़ायदा मुमकिन है